अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं बात करने वाला हूँ आज आरओ और एआरओ का जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी वो आज थी 9/11। पर आयोग ने क्या करा है, जो तकनीकी कारणों से साइड बीच में क्रैश हो गई थी, बहुत टाइम तक ओटीआर नहीं हो रहा था बच्चों का। जब ओटीआर नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था, ओटीआर के बगैर ये आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा था। अब क्या करा है, लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ही एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है जो आपकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 24/11 कर दी गई है और जो ऑनलाइन आवेदन का जो आपका पेमेंट होगा वो उसकी भी 24 ही है। ये यहाँ पर दे रखा है अजय कुमार तिवारी जो कि परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग के हैं। अब बात करते हैं, जिसने भी देखो अभी फॉर्म फिल नहीं किया है जल्दी से जल्दी अपना ओटीआर करें और फॉर्म फिल कर दें। आरओ एआरओ के इतिहास में अभी तक इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है। कॉम्पिटिशन टफ होगा वो तो देखा जाएगा, पर जो जिन्हें सीरियसली तैयारी करनी है कभी मुझे आरओ आरओ निकालना ही है तो वो पहले फॉर्म को अच्छे से फिल करें और उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाएं। जो 2021 वाला पेपर हुआ था वो लगभग लगभग जब आपका ऑनलाइन आवेदन हुए थे उसके 2 या 3 महीने बाद हो गया था। तो ये जो अभी फॉर्म चलेंगे 11 मतलब पूरा नवंबर ये फॉर्म लगभग लगभग चलेंगे। नवंबर के बाद बचता है आपके पास दिसंबर और दिसंबर के बाद जनवरी, 2 महीने पूरे पूरे हैं जिसमें आपको तैयारी का पूरा मौका मिल रहा है। 2 महीने के बाद जो आपका पेपर है वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर चुनाव की वजह से तिथियों में आगे पीछे कुछ हो सकता है तो हो सकता है जो एग्ज़ाम है ये आपका चुनाव के बाद भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। अपनी तैयारी ये मान के करें भाई जो पेपर है वो चुनाव से पहले ही होगा। तैयारी को करते रहें और हिंदी पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आरओ और एआरओ की जो परीक्षा होती है उसमें हिंदी का ही मेन रोल होता है। अब प्री निकल गया आपका जो मेंस होगा उसमें हिंदी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर जाकर आप फेल हो जाओ तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हिंदी को विशेष टाइम दें और करंट अफेयर को, हिंदी और करंट अफेयर को अच्छी पकड़ बनानी है, कंटिन्यूस इस पर काम करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मैं अपनी किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ, पर आप भी थोड़ा सा कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।